अपीजमेंट की बात हमारे एक साथी ने की है, मैं ये बात सच है कि अपीजमेंट का गंभीर आरोप लगा हुआ है और इस अपीजमेंट के नाम पर ही हिंदुत्व की इतनी बड़ी दुकान खड़ी हुई है। लेकिन कितना अपीजमेंट हुआ है ये आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें लिखा गया कि दलितों से ज्यादा बदतर स्थिति हो सरकारी नौकरियों में 2.36% उनका वो है। तो जो जिस तबके की आबादी 13 से 14% है वो अगर 2% सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी है तो आप समझ सकते हैं दिक्कत कहां पे है। दिक्कत यह है कि जो मेरे साथी ने कहा, दिक्कत यह है कि जो हमारे बीच में जो ये क्लर्जी है इन्होंने बहुत नुकसान किया, इन्होंने इतना। और मैं पॉलिटिक्स में रहने के बाद मैं और मजबूती के साथ कह सकता हूं कि दरअसल ये सबसे बड़े दुश्मन है। जब तक आप इनको नहीं हटाएंगे, जब तक वहां पे यंग पढ़े लिखे लोगों को लीडरशिप में नहीं लाएंगे, जब तक उनकी बात को नहीं सुनेंगे, धर्म में उनका स्थान है, वो धर्म के अपने धर्म के काम में रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है, ये यंग लीडरशिप बीच में लानी पड़ेगी। यंग लीडरशिप बिल्कुल मुस्लिम तबके में बिल्कुल गायब है, कोई यंग लीडरशिप नहीं है। आप देख लीजिए कहीं भी कोई नजर नहीं आता। अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है अगर आपके लिए तो मैं कह सकता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, मुलायम सिंह यादव ने लड़ाई लड़ी है, लालू प्रसाद यादव ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। मुझे बता दीजिए एक ऑल इंडिया लेवल पे कोई एक मुस्लिम लीडर हो जिसको सब मानते हो या जो ऐसी बात कहता हो कि लोग उनके साथ चले। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का की जो सियासतदान है वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम तबके के अंदर किसी तरीके की कोई लीडरशिप ना पनप पाए, वो लीडर बने जिनको हम खरीद सकते हैं, वो लीडर बने जिनको हम खरीद सकते हैं। और अगर आज की तारीख में अगर आगे बढ़ना है तो ये जो क्लर्जी है इनको हम मुझे लगता है कि बैक सीट पे बैठाना पड़ेगा, अपने बीच से यंग पढ़े लिखे समझदार लोगों को लाना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी को आगे लेके जाए। और जब तक वो नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक मिडिल क्लास नहीं इमर्ज करेगा तब तक वो नहीं होने वाला है। मैंने पाकिस्तान वाली बात क्यों कही थी, मैंने इसलिए कही थी क्योंकि वो मुझे क्यों कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं, वो मुझे क्यों पाकिस्तानी कुत्ता कहते हैं, वो मुझे क्यों गद्दार कहते हैं, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं उनको चुभती है, मैं सच बोलता हूं। तो मुझे मां बहन की गालियां देते हैं, रोज गालियां देते हैं, वो मुझे मां बहन की गालियां देते हैं। मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि अपनी फोटो मेरे साथ मत लगाना कहीं किसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं मुझे। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है और मुझे लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और अगर आज मैं खड़ा नहीं हुआ इनके सामने इनके साथ तो शायद मैं अपने मुल्क से गद्दारी करूंगा। और मुझे लगता है कि हर उस शख्स को जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है आज उसको खड़ा होना पड़ेगा और इनके सामने अड़कर अपने पैर को अड़ाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आप गलत कर रहे हो, आप जिस दिशा में इस हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हो वो बर्बादी का रास्ता है।